स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर गोविंद निहलानी जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स, गोविंद निहलानी जी ने शुरुआत की मूवीज में एज ए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया। इनकी डेब्यू मूवी आई थी 1974 में, इसका नाम था अंकुर। इसमें इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। इसको डायरेक्ट किया था श्याम बैनर्जी साहब ने। इसमें लीड कास्ट में थे अनंत नाग, शबाना आजमी, प्रिया तेंदुलकर, साधु मेहर, दिलीप ताहिल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1975 में, इसका नाम था निशांत। इसमें भी इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। इसको डायरेक्ट किया था श्याम बैनर्जी साहब ने। इसमें लीड कास्ट में थे गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, अनंत नाग, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1976 में आई थी मंथन। इसमें भी इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। इसमें डायरेक्ट किया था श्याम बैनर्जी साहब ने। इसमें लीड कास्ट में थे स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में, इसका नाम था भूमिका। इसमें भी इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। इसको भी श्याम बैनर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्मिता पाटिल, अमोल पालेकर, अनंत नाग और अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1979 में आई थी, जिसका नाम था जुनून। इसमें भी इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। इसको डायरेक्ट किया था श्याम बैनर्जी साहब ने। इसमें लीड कास्ट में थे शशि कपूर, शबाना आजमी, जेनिफर कैंडल और नसीरुद्दीन शाह। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। व्यूवर्स, इनकी अगली मूवी आई थी 1980 में, ये आक्रोश। ये इनकी एज ए डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी। इसमें स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1981 में कलयुग। इसमें भी इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी और इसको डायरेक्ट किया था श्याम बैनर्जी साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे शशि कपूर, रेखा, राज बब्बर और अनंत नाग। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1982 में आई थी विजेता। इसको गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, रेखा, कुणाल कपूर, सुप्रिया पाठक, ओमपुरी, अमरीश पुरी थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में अर्धसत्य। इसमें ओमपुरी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर थे। इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। अगली 1984 में आई थी पार्टी। इसमें मनोहर सिंह, विजेता मेहता, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह लीड कास्ट में थे। अगली 1985 में आई थी आघात। इसको गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें दीपा शाही, ओमपुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1988 में आई थी तमस। इसको गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें दीपा शाही, ओमपुरी और सुरेखा सीकरी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1990 में, जिसका नाम था दृष्टि। इसमें लीड कास्ट में थे डिंपल कपाड़िया, नीना गुप्ता, शेखर कपूर और इरफान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1994 में द्रोह काल। इसको भी गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अनु कपूर और मनोज वाजपेयी थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1996 में आई थी संशोधन। इसमें मनोज वाजपेयी, विनिया जोशी और आशुतोष राणा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1998 में, इसका नाम था 1084 की माँ। इसमें जया बच्चन, नंदिता दास, सीमा विश्वास, अनुपम खेर और आदित्य श्रीवास्तव लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी, जिसका नाम था तक्षक। इसमें अजय देवगन, तब्बू, राहुल बोस, अमरीश पुरी और विनीत कुमार लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2004 में, जिसका नाम था देव। इसको गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, रति अग्निहोत्री, ओम पुरी और अमरीश पुरी, एहसान खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 8 करोड़ 25 लाख। इस मूवी ने भारत में 6 करोड़ 83 लाख की कमाई की और दुनिया में 10 करोड़ 5 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2017 में टाई एनी इतर। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इसमें सुबोध भावे, सोनाली कुलकर्णी, प्रिया मराठे और भूषण प्रधान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। तो व्यूवर्स, ये इनकी लास्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये गोविंद निहलानी जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफर में कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम
वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।